जय श्री राधे, वेलकम टू रंगेस्ट्रो। शुक्र ग्रह यानी कि वीनस माउंट, इनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर ये हमारे लिए बेहतर है तो हमारे जीवन में वैभव ही वैभव होता है। तमाम प्रकार की आधुनिक सुख सुविधाएं हमें प्राप्त होती है, एक अच्छा जीवन हमें प्राप्त होता है, धन वैभव हमें प्राप्त होता है, एक सुंदर वैवाहिक जीवन हमें प्राप्त होता है। तमाम प्रकार की जो चकाचौंध हैं, जो लग्जरी है, वो आपकी लाइफ में आती चली जाती है। शुक्र के ग्रह को जब आप अपनी हथेली पर देखते हैं तो काफ़ी बारीकी से इनका निरीक्षण करना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि ये शुक्र आपके लिए किस हद तक बेहतर फलों का दाता है या आपके लिए नुकसान का कारण तो नहीं बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये शुक्र आपको क्या क्या दे सकता है और कैसी स्थिति अगर हथेली में इनकी हो तो ये आपके लिए एक बेहतर संकेत माना जाएगा। सबसे पहले जो एक ग्रह क्षेत्र है, ये एक उन्नत अवस्था में, एक स्वस्थ उन्नति की अवस्था में ये आपके लिए अच्छा काम करता है, यानी कि एक अच्छा उभार हो, लेकिन एक प्रबल उभार हो जाए, यानी कि आपके हथेली के बाकी आप किसी भी क्षेत्र में देखें तो उसके मुकाबले ये अत्यधिक, एक हद से ज़्यादा जब उभार लगने लगे तो एक खतरे का संकेत है। फिर व्यक्ति को काफ़ी संभल के आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो चीज़ों को पाने की जो आपकी अभिलाषा है और भौतिक सुख सुविधाओं की जो आपको भूख है या लग्जरी की जो आपको भूख है या विपरीत लिंग के प्रति जो आपकी आपके मन में चल रहा है, ये सब चीज़ें आपके विनाश का कारण बन जाएगी और आपके जीवन को दाने दाने का मोहताज कर देगी। आर्थिक तौर पर आपके जीवन को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के रख देगी और जीवन में विभिन्न प्रकार के अपयश का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर एक सामान्य शांत उभार है, लालिमा युक्त, तो ये आपके लिए अत्यंत सुंदर है और बेसिक यानी कि आधारभूत रूप से अगर देखें तो ये आपके लिए प्रथम शुभ संकेत है। लेकिन अगर ये बिल्कुल सपाट है, उभार बिल्कुल भी नहीं है, तो एक सामान्य स्थिति को दर्शाता है। इसके बाद निर्भर करेगा कि इसके ऊपर कैसे चिन्ह हैं, कुछ खास सिंबल हैं या नहीं, फिर उसके आधार पर आप इसके बारे में जान सकते हैं कि आपके लिए किस हद तक ये अच्छा या बुरा है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आपने देखनी है इनर लाइंस की, यानी कि यहाँ पर जो महीन चिन्ह होते हैं, जैसे आप अंगूठा का निशान के लगाते हैं तो एक निशान आता है ना थंब इम्प्रेशन का, छोटा छोटा महीन, उसकी स्थिति कैसी है। जब भी उसकी स्थिति आपके इस छोर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे या आपके चंद्र की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे, एक सामान्य स्थिति को दिखाती है। ये नीचे की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पर आपको मालूम चले और बढ़ने में भी टेढ़ी मेढ़ी होती चली जाए तो फिर काफ़ी सावधानी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल सीधी आती चली जाए सामान्य है, लेकिन वहीं पर इसकी स्थिति आपको बाहर की तरफ मुड़ के ऊपर की तरफ जाती दिखाई दे, चाहे शनि के क्षेत्र की तरफ, इस मंगल के क्षेत्र की तरफ या सूर्य के तरफ या बुध के तरफ, तो ऐसी स्थिति अत्यंत शुभ है। ये स्थिति दिखाती है कि आने वाले समय में आप अपने बाहुबल से, आप अपने बुद्धिबल से अपने जीवन को उत्कृष्ट स्थिति तक लेते चले जाएंगे और जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं वो आपके लिए आसान होता चला जाएगा और बाकी सारी स्थितियाँ अच्छी रहे तो उन चीज़ों को आप पा भी लेंगे। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा, आपके जीवन में धन का आगमन सही तरीके से रहेगा, जीवन में जो भी सुख सुविधाएँ हैं, विलासिता है, उसका सही प्रभाव आपके जीवन में आता रहेगा और सही रूप से वो चीज़ें आपको प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर अगर गोल गोल ऐसी स्थिति होती चली जाए और 5 से ज़्यादा गोलक की संख्या हो जाए, वैसी स्थिति में आपके प्रधान ग्रह के रूप में ये दिखाई देगा। अगर ऐसी स्थिति भी आ जाए तो बहुत सुंदर है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम बिरले ही यहाँ पर शुक्र के इस पर्वत क्षेत्र पर आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कुछ टेम्पररी लाइंस की। सबसे पहले मैंने बात की माउंट एरिया की, उसके बाद जो इनर लाइंस है उसके बारे में, अब हम बात कर रहे हैं टेम्पररी लाइंस, जो कि टेम्पररी लाइंस में 3 टाइप्स की होती है। एक होती है जो छोटे समय के लिए या दिनों घंटों तक के स्थिति को तय करती है, दूसरी होती है जो हफ्तों महीनों तक को तय करती है, और तीसरी टेम्पररी यानी कि अस्थायी रेखा होती है जो आपको सालों की स्थिति को दिखाती है, और फिर आती है परमानेंट लाइन यानी कि अस्थायी रेखा जो कि जीवन पर्यंत आपके जीवन को प्रभावित करने का काम करती है। तो जो भी छोटी बड़ी रेखा है, सबसे पहले जो 3rd स्टेज का है, बिल्कुल घंटों का, दिनों का, उसकी स्थिति देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी लकीरें किसी भी रेखा पर आपको दिखाई दे जाएगी। हालांकि ये देखना आसान नहीं है, ये गुलर के फूल की तरह है जो कि किसी को नहीं दिखती, वैसी स्थिति में आपको दिखाती है, उससे आप
प्रतिदिन के हिसाब से आप इनके बारे में समझ सकते हैं, जो कि एक तरीके से समझे कि एक तरीके से न होने वाला कार्य ही है, लेकिन चूंकि रेखाओं की एक संख्या है तो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आती है जो कि आपको हफ्तों और महीनों का हिसाब किताब दिखाती है, वो रेखा आपको स्पष्ट तौर पे कहीं भी दिख जाएगी। अगर रोज आप अपनी हस्तरेखा देखते हैं तो आपको सीधी में, चौड़ाई में, तिरछी स्थिति में आपको दिखाई दे जाएगी। ये स्थिति यहाँ पर निर्भर करती है कि किस तरफ है, जैसे इनर लाइन्स है बिल्कुल उसी तरीके से ये काम करती है। आपके शनि के क्षेत्र की तरफ, सूर्य के क्षेत्र की तरफ, जीवन रेखा की तरफ चाहे अत्यंत शुभ है, आपके चंद्र की तरफ जाएगी आपके लिए नुकसान की स्थिति को दर्शाती है, अंगूठे की तरफ जाएगी मानसिक तनाव की स्थिति को दर्शाती है, नीचे तरफ जाएगी ये आपके लिए जो आपका पद है पदच्युत की स्थिति को दर्शाती है कि यानी आने वाले समय में अपयश की स्थिति का सामना जातक को यहाँ पर करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे टेम्पररी जो लाइन है और स्थायी रेखा में जो सालों का काम करती है उसमें आपको आती है बिल्कुल आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति। ये आपको कुछ सालों तक आपके जीवन को प्रभावित करेगी, फिर उसके बाद ये निकल जाएगी, दिखाई देगी यहाँ पर लेकिन वो मृत प्राय होगी, यानी कि उसका कोई वजह यहाँ पर नहीं होगा और किसी तरीके से आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर रही होगी। उसमें बहुत गौर से देखना है कि उनकी स्थिति कैसी है। अब इसे आप तय कैसे करेंगे कि कौन सी रेखा स्थायी है, कौन सी रेखा अस्थायी है? तो जब भी अस्थायी रेखाओं की स्थिति होगी उसके दोनों किनारे पतले होंगे, अर्धव उर्धव की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होगी, दोनों तरफ से वो महीन ही होगी, यानी आप उसे कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ जा रहा है एक कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। जबकि जो परमानेंट लाइन्स होती है वो एक छोर पर गाढ़ी होगी, दूसरे छोर पर जाके पतली होती चली जाएगी। ठीक है, इसके द्वारा आप उसे तय कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जब ये तिरछी स्थिति में जाएगी जो आपकी फर्स्ट क्लास की जो टेम्पररी लाइन्स हैं, तो ये क्या करेगी, आपके लिए नुकसान को बढ़ाने का काम करेगी। सीधी अवस्था में जाएगी आपके लिए सुंदर है, अगर मान लो आपके विवाह का उम्र हो गया है और इस क्षेत्र में आपको सीधी लकीरें दिख रही है, बहुत ही सुंदर विवाह होने के योग है, बहुत ही सुंदर जीवन साथी, जीवन संगनी की प्राप्ति जातक के जीवन पर यहाँ पर होने वाली है। आपके इस मध्य के क्षेत्र से बाहर में अगर लकीरें आ गई तो आर्थिक तौर पर बड़ी तरक्की होने वाली है, व्यापार में, नौकरी में आपके लिए शुभ योगों का बढ़ावा यहाँ पर होने वाला है, स्पष्ट दिखाता है। मध्य में अगर नीचे से लेकर आगे की तरफ बढ़ रही है, आप अपने बंधु बांधवों में, अपने रिश्तेदारों का खूब आदर करने वाले होंगे, उनकी मदद करने वाले होंगे, लोगों के साथ चलने वाले होंगे। अगर ये रेखा आपके इस क्षेत्र में गहराई से निकल रही है तो ऐसी स्थिति दिखाती है कि जातक स्पिरिचुअली यानी धार्मिक तौर पर बड़ा उन्नत होगा और धार्मिक मान्यताओं को मानने वाला होगा। अब ये सब जो बात हो रही है ये हो रही है आपके अगर एक अच्छी उन्नत स्थिति यहाँ पर हो, तो अत्यधिक उन्नत जब हो जाएगी तो जो भी उपाय बताए गए हैं, जो भी फायदे बताए गए हैं, वो और भी ज़्यादा मात्रा में आपकी तरफ बढ़ेंगे और नकारात्मकता को आपकी तरफ लेते हुए चले आएंगे। यानी कि कोई भी चीज़ आपको मीठा पसंद है लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा ले लो तो आपको खाने में अच्छा नहीं लगेगा। आपको नमक पसंद है सैलेड में या किसी चीज़ में, आप बहुत ज़्यादा उसमें नमक रख लो तो वही नमक आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। एक गिलास पानी आपके लिए बहुत अच्छा है लेकिन एक टैंक पानी कोई पीने के लिए बोले तो क्या होगा, बस वही हाल यहाँ पर हो जाता है। अगर पर्वत क्षेत्र की स्थिति यानी लॉन्च पैड सही नहीं है तो यहाँ पर जो लॉन्चिंग के लिए जो वेपन्स हैं या जो रॉकेट्स हैं वो क्या करेंगे, सही से वो आगे आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो सारी चीज़ों का समन्वय जब एक साथ सही तरीके से आता है ना तो सही लाभ प्राप्त होता है। कई बार आपके लॉन्चिंग पैड यहाँ पे जो बेस एरिया है माउंट की वो आपके लिए यहाँ पर क्या है कि अच्छी नहीं है और आपके जीवन में कुछ अच्छे यहाँ पर रेखा आ गई, उसके कारण कुछ अच्छा मिल गया, तो आप सोच रहे हैं अच्छा मिल रहा है, नहीं, थोड़े समय के बाद वो बड़ी परेशानी लेके चली आएगी। आप देखते होंगे जीवन में कुछ समय बड़ा अच्छा चला, एक बड़ी परेशानी आ गई, जिससे हमें लाभ दिख रहा था वही नुकसान का कारण हो गया। तो ऐसी स्थिति को यहाँ पर पनपाने का काम आपके लिए करती चली जाती है। और इस क्षेत्र की तरफ से अगर आगे की तरफ बढ़े तो ऐसे मामले में काफ़ी सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये विपरीत लिंगी के साथ होने वाले जीवन के कुछ क्लेशों को दिखाने का भी यहाँ पर काम करती है। अब हम बात करेंगे परमानेंट लाइन की। परमानेंट लाइन को सबसे पहले यहाँ पर तीन भागों में आपने बांटना पड़ेगा कि इनकी स्थिति कैसी है। सबसे पहले इस क्षेत्र में यहाँ पर जो प्रथम जो इनकी पोर है इसके मध्य में जो रेखा होगी उसका अलग, बीच का अलग, और इस क्षेत्र में जो होने वाली रेखा होगी उसका अलग प्रभाव होगा। इस क्षेत्र में होगा तो यह आपके घरेलू जीवन, वैवाहिक जीवन को दिखाने का काम करेगी। जितनी सीधाई खड़ी रहेगी और किसी ने अगर न काटा हो तो उतना अच्छा ये जीवन को दर्शाती है, उतने अच्छे आपके सुंदर स्वभाव को दिखाने का काम करती है। मध्य के क्षेत्र में अपनों से प्रेम, अच्छी रिश्तेदारी, कारोबार में आपकी सफलता और चीज़ों को सही तरीके से लेने की जो आपकी दक्षता है उसे दिखाने का काम करेगी। आपके बाहरी क्षेत्र में जब भी ये होगा तो बाहरी दुनिया के साथ साथ जो आपका इंटरेक्शन है, जो आपका आपकी सोच है, आपका नज़रिया है, लोगों को ले
लेकर और नई नई प्रकार से क्रिएटिविटी जो आपकी दिखती है उसे भी ये दिखाने का कहीं ना कहीं आपके लिए काम करता है। बाकी इसका प्रभाव काफ़ी व्यापक है और इसका आपके घरेलू जीवन में, मानसिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हर जगह इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये सामान्य तौर पर आप देखेंगे बहुत बहुत ही ज़्यादा नीचे की तरफ ढलवा स्थिति में होती है और यहाँ पर जब मत्स्य चिन्ह की स्थिति बने तो इसके बल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति एक लीडर की तरह और एक बड़े योद्धा की तरह अपने जीवन में काम करता है, चाहे वो जिस भी क्षेत्र से यहाँ पर जुड़ा हुआ हो। अब क्या होगा कि मान लो कि इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी रेखाएं हैं, क्या है, धन वैभव की स्थिति अच्छी रहेगी, अपने बुद्धिबल से, अपने वैभव से, अपने बाहुबल से जातक अपने जीवन को काफ़ी उन्नत स्थिति तक पहुंचाते चला जाएगा, हर तरफ अपना दबदबा बना के रखेगा और कहीं से भी उसे अपयश की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेखाओं को किसी ने काट दिया है यहाँ पर, उस कालखंड में जिस कालखंड में रेखाओं ने काटा है या आड़ी तिरछी रेखाओं ने काटा है वहाँ पर परिश्रम बढ़ जाएगा, सब कुछ करते रहेंगे, ज़िंदगी चलती रहेगी, पैसे आते रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी हमेशा चलती रहेगी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए कड़ा संघर्ष कई बार जीवन में करना पड़ेगा, कई बार लीगल इशूज आपके जीवन में अगर आ जाएंगे, चार और तीन की संख्या में ऐसी अगर जाली नुमा स्थिति बनती चली जाए, घर परिवार में परेशानी शुरू हो जाएगी, आर्थिक तौर पे जमीन कहीं ले लोगे वही आपकी समस्या का कारण हो जाएगा, कहीं पर घर से संबंधित इशूज कुछ होंगे, ठीक है, और घरेलू जीवन में भी माता पिता के साथ भी कलेशों को बढ़ाने का काम करता है, पारिवारिक जीवन में समस्याओं को बढ़ा देगा। इस क्षेत्र में सीधी लकीरें ऐसी मिल जाएगी, मानसिक तनावों को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम कर देगा। तो जब भी इसे सामने से काटे ना तो ऐसी स्थिति आपके लिए बड़े नुकसानों को यहाँ पर पैदा करती चली जाएगी। अब मान लो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर का साइन आ गया, बहुत ही शुभ है, आपके जो भी क्रियाकलाप है, जो भी आजीविका के साधन है या जो जीवन है वो तेज गति से वृद्धि करेगी। यहाँ पर आपके लिए ट्रायंगल की स्थिति आ गई, बहुत ही शुभ है, ये आपके जीवन को और भी ज़्यादा समृद्ध करने का काम करेगी, बच्चों की तरफ से आपको लाभ की स्थिति बनेगी, कारोबार में फायदे की स्थिति बनेगी। यहाँ पर त्रिशूल की स्थिति आ गई, वो भी बहुत सुंदर है, रिस्क लेंगे जीवन में और वो आपको काफ़ी ऊंचाई तक पहुँचा देने का काम करेगा। अब ये जिस तरफ रहेगी उससे संबंधित लाभ होगा। अब जैसे मान लो त्रिशूल की स्थिति है, यहाँ पर चंद्रमुख स्थिति में आ जाएगी, ये आपके लिए क्या होगा कि आपके जो बेटर हाफ हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पर लाभ की स्थिति बन जाएगी, जल से संबंधित कामों में फायदे की स्थिति बन जाएगी, आर्टिफिशियल संबंधित कामों में फायदे की स्थिति बन जाएगी। यही आपका ऊपर है, गुरुमुखी है, ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के जो है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ले लो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो काम होता है, इसके अलावा पॉलिटिक्स से आप रिलेटेड ले लो, डिफेंस सेक्टर से संबंधित ले लो, रेलवे से ले लो, उन सब में यहाँ पर मंगल की स्थिति भी अगर अच्छी रही तो उससे संबंधित काम होगा आदि आदि। इसी प्रकार से इनका मुख, हर एक जो चिन्ह है उसका मुख किस तरफ होगा उसके अनुसार ये फल अच्छे फल देगा। अब यहाँ पर यह रेखा की स्थिति बन गई गेहूँ के दाने के बराबर, ये पूरे पर्वत के प्रभाव को ना कमज़ोर कर देगी, चूसती है, एक खून चूसती है, ऐसा समझ लो आपके जो भाग्य है ना, भाग्य को चूसने का काम करेगी। यहाँ पर क्रॉस की स्थिति आ जाएगी, क्रॉस का थोड़ा समझना पड़ेगा कि इनकी स्थिति कैसी है, कितना काम करी, उसके अनुसार अधिसंघ के मामलों में अशुभ फल लेकिन कुछ मामलों में शुभ फल भी देने का ही कई दफ़े काम करती है, लेकिन खास परिस्थिति में, ठीक है। इसके अलावा भी अन्य बहुत से प्राचीन सिंबल है जो कि यहाँ पर देखे जा सकते हैं, उसके अनुसार इसके फलों में आपके जीवन में स्थिति आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये सब इस प्रकार के लाभ यहाँ पर देखने को आपके लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर मान लो तिल का निशान आ जाए, तिल का निशान कुछ मामलों में जैसे क्षेत्र में आ जाए व्यक्ति को चरित्रहीन बना देता है, आपके ऊपरी क्षेत्र में आ जाए इसमें भी व्यक्ति के मन में एक संशय की स्थिति बनी रहती है। कुछ भूरे निशान होते हैं जो कि कुछ समय के लिए आते हैं, मध्य के क्षेत्र में आपसे कुछ अच्छे फैसले भी लिवा लेती है लेकिन कई बार बड़े बुरे प्रभावों को भी दिखाने का काम करती है। तो इनकी स्थिति जो है ना बहुत सूक्ष्मता से, जैसे मैंने अभी बताया, बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है। आपके जीवन के राज सारे जो है ना वो खोल के बिल्कुल खुले किताब की तरह आपके सामने रख के छोड़ देती है। ये आपको बता देती है कि जीवन में कितना वैभव मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। आजकल की दुनिया में क्या है, बस पैसे खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं वाली कहानी है। तो आपके धन वैभव और रुतबे की क्या स्थिति होगी उसे स्पष्ट कर देगा, साथ ही आपके जीवन में अपयश क्या होगा, आपके जीवन में निर्लज्जता कितनी होगी उसे भी खा देगा, ठीक है। आप कितने महान हैं या कितने गए गुजरे हैं उसे भी स्पष्ट कर देने का काम करता है। तो ये बिल्कुल आपको जो है ना सो मतलब क्या बोलो, बिल्कुल स्कैन आपको करके आपके बारे में ये आपके लिए दिखा देने का काम करता है। तो इनकी स्थिति बहुत ही बारीकी से समझने की आवश्यकता है।
अब बात आती है कि यहाँ पर रेखाएं सीधी अवस्था में चल रही है लेकिन फिर भी जीवन में उतना लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए बहुत ही ध्यान से सुनने योग्य आपके लिए जो बात है वो ये है कि देखो यहाँ पर आप महसूस करेंगे, देख रहे हो आपस में सिलवटें पड़ी हुई हैं, यहाँ पर जो ये चमड़ी है इसकी, मान लो यहाँ से कोई एक रेखा निकली, ठीक है, जैसे इसमें आप देखेंगे यहाँ से एक रेखा निकली, निकलते हुए क्या है चली गई और बुद्ध की रेखा में तब्दील हो गई, बहुत सुंदर। जब भी यहाँ से निकलती कोई रेखा आपके बुद्ध पर्वत के बुद्ध की रेखा के रूप में और भाग्य रेखा के रूप में या शनि की रेखा में कभी कभी सूर्य में भी के रूप में आगे बढ़ जाए तो इस पर्वत को अपने आप बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती चली जाती है, बहुत ज़्यादा शक्ति मिल जाती है। उसके बाद समझ लो ना ऐसे जैसे यहाँ पे जाके ना इसने थर्मल पावर से ट्रांसफार्मर से इसकी कनेक्शन जुड़ गई, अब यहाँ पे बिजली आ गई, बस ऐसे ही जिंदगी चमक जाती है। जब भी ये रेखा अगर आपकी व्यापारिक रेखा की तरफ मिल जाए, आपकी सूर्य रेखा के साथ आपके भाग्य उन्नति की तरफ बढ़ जाए या भाग्य रेखा के साथ सम्मिलित होकर पूर्ण भाग्योदय का कारण बन जाए तो फिर ये सबको यहाँ पर लाभ पहुँचाने का ही स्पष्ट तौर पर काम करती चली जाती है। तो ये सब है इसके कुछ गुप्त, सीधे आप कर लेंगे कि नहीं ऐसा होने से ऐसा हो गया, ऐसा होने से ऐसा हो गया, नहीं, चीज़ों को बारीकी से समझो, रियल तरीके से समझो तो आपको पता चलेगा कि कैसे हस्तरेखाएं आपके पूरे जीवन को बिल्कुल खोल के रख देती है। मिलते हैं फिर कुछ और नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।